For latest physics course of class 12th, download our app. Link is in description box. पैरल प्लेट कैपेसिटर पूरा डिस्कस कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक एक ही ब्रांच में कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देना, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर आपने जो भी कैपेसिटर्स है उनको इस तरीके से कनेक्ट किया है कि उनकी एक प्लेट एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट एक दूसरे पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम स्टडी करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना। तो मान लो कि ये कुछ कैपेसिटर्स हैं और इनको हमने एक ही ब्रांच में सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सीरीज का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट होगी वो सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगी, है ना, इस तरीके से कनेक्ट करना। और फिर सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगी, ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो इसको एक ही ब्रांच में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी का वोल्टेज मान लो वी। कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, C1, C2 और C3, इनका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। शुरुआत में कोई भी कैपेसिटर चार्ज नहीं है, हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तीनों को मिला के टोटल कैपेसिटी कितनी बनी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि शुरू से इसको स्टडी करेंगे कि मान लो बैटरी कनेक्ट ही की अभी हमने, तो बैटरी से कुछ चार्ज आएगा और फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर जाके स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका रीज़न, क्योंकि जो फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है बैटरी का पॉजिटिव, इसका मतलब होता है हायर पोटेंशियल, और माइनस का मतलब क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो हमने एक हाई पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से। तो इससे क्या होगा, जब आप दो मेटल बॉडी को, अगर दो मेटल बॉडी है या दो पॉइंट्स है जिनका पोटेंशियल अलग अलग है, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हो एक वायर के थ्रू, तो उनके बीच में चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और वो चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ से कुछ चार्ज आएगा और फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर जाके स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो बैटरी से क्यू चार्ज चला और फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया ये, ठीक है। ये जो प्लस चार्ज होगा ये कितना होगा, प्लस क्यू। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या करेगा, इसके पास में जो दूसरी प्लेट हमने रखी है इसके ऊपर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो इधर आके इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब इस सेकेंड प्लेट की इधर वाली सरफेस के ऊपर कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा, बराबरी चार्ज आएगा। ये इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जब मेटल बॉडी के पास पे लाया जाता है तो चार्ज ऑब्जेक्ट पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज मेटल बॉडी के ऊपर इंड्यूस हो जाता है, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया माइनस क्यू, और इधर वाली जो सरफेस होगी इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकल के आता है तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए लेकिन जो एटम्स हैं जिनसे वो इलेक्ट्रॉन निकले थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो रहा है। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो वो इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो इससे भी दूर चला जाएगा। क्योंकि देखो सेकंड जो कैपेसिटर उसकी जो फर्स्ट प्लेट है उसको हमने इससे कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस प्लेट के ऊपर इसके दूसरी साइड में उसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करके उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे भेज देगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो चार्ज, समझ में आया क्या। तो सेकंड जो प्लेट है फर्स्ट कैपेसिटर की इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज रहेगा, और इस पर जो प्लस क्यू चार्ज इधर आना था वो कहाँ चला गया, रिपेल होके अगले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे आ गया। फिर वापस यही प्रोसेस होगी, ये पॉजिटिव चार्ज सेकंड प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस क्यू। फिर इधर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो रिपेल होके थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर वापस से क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट टाइप का टर्मिनल नहीं, ये होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे होगा नेगेटिव, या ऐसे समझ लो पॉजिटिव का मतलब है
हायर पोटेंशियल और ये क्या है लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो किया जाएगा। तो ये जो क्यू चार्ज है जो यहाँ पे प्लस क्यू आना था वो इधर आ गया। तो फाइनली कंडीशन ये है कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है हमको, क्यू। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कैपेसिटर ने, तीनों कैपेसिटर ने मिलकर टोटल कितना चार्ज स्टोर किया, तो वो भी क्यू के बराबर ही होगा। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बैटरी से तो हमने क्यू ही चार्ज लिया है, वो स्टोर हो गया। जैसे पहली प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर हुआ और बाकी सब क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, हमने बैटरी से थोड़ी लिया इस चार्ज को। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि तीनों कैपेसिटर्स ने मिलके, या सीरीज में आप कितने भी कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, सब मिलके टोटल कितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं, क्यू चार्ज ही स्टोर करेंगे। उसको क्यू 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 ऐसे थ्री क्यू नहीं बोल रहे हैं। कितना होगा चार्ज, बैटरी से जो लिया है वही तो चार्ज स्टोर हुआ, बाकी सब इंड्यूस्ड चार्ज है। वो तो इंटरनल इसकी प्रोसेस है कि आगे से आगे चार्ज इंड्यूस होता गया, तो हमने एक्सटर्नली थोड़ी लिया उसको। इसलिए हम ये बोलेंगे कि टोटल चार्ज कितना स्टोर होगा, क्यू चार्ज स्टोर होगा। तो एक तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि तीनों कैपेसिटर पे चार्ज अगर क्यू है, अगर आपको पूछे ना कि पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है तो क्यू ही बताएंगे, दूसरे पे भी क्यू बताएंगे, तीसरे पे भी क्यू बताएंगे, लेकिन तीनों का सम भी क्या होगा, क्यू ही बताना है, क्योंकि पहले कैपेसिटर पे चार्ज आता है, बाकी सब इंड्यूस चार्ज होते हैं। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से क्या होगा, हर एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 और V3। अब यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल वोल्टेज जो आपने अप्लाई कर रखा है वो कितना है, V, और इसकी वजह से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं। तो इन तीनों वोल्टेज का जो सम होगा वो हमेशा V के बराबर ही होगा, है ना, इससे कम भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। तो एक इक्वेशन तो हम ये लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये चीज़ समझ में आई। अब सोचो अगर मैं V1 कैलकुलेट करना चाहूँ कि भाई V1 कितना है, तो V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू Q/C। याद है क्या ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो V1 क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू Q/C, तो Q/C1 लिख देंगे इसको। V2 कितना लिखेंगे, Q/4, तो सब पे क्यू ही है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आया क्या, V1, V2, V3 इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है, अब ये V1, V2, V3 आ गया, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, साथ ही यहाँ पे V की वैल्यू भी पुट करेंगे। V क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये जो तीनों कैपेसिटर हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर अपने पास है और उसका कैपेसिटेंस है CS, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, CS। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर कौन सा होता है, तो यहाँ पे कितने वोल्टेज की बैटरी हमने लगाई थी, वी वोल्ट की बैटरी लगाई थी, उससे कितना चार्ज इन कैपेसिटर्स ने मिलकर स्टोर किया, क्यू। तो ये भी क्यू चार्ज स्टोर कर सकता है ना, इसकी कैपेसिटी भी कितनी है, क्यू चार्ज को स्टोर करने की है, वही प्रोसेस इसमें होगी। इन तीनों की जगह अगर हम ये कैपेसिटर भी लगाते ना, तो सेम एक्टिविटी होती, सेम काम होता, सेम चार्ज स्टोर होता सेम वोल्टेज की बैटरी से। तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट हो गया, है ना, ये तीनों का क्या हो गया, इक्विवेलेंट। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, V इक्वल्स टू Q/CS लिखूंगा, है ना। तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, और उसका जो जब ये चार्ज होगा, तो जितना वोल्टेज की बैटरी हमने लगाई है उतने ही वोल्टेज तक ये चार्ज होगा, क्योंकि अकेला चार्ज हो रहा है तो V वोल्टेज तक चार्ज होगा। वहाँ तो क्या है, तीन पार्ट्स में वो वोल्टेज बट गया, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड थे तीन कंपोनेंट, तो तीनों का मिला के V था, इसका अकेले का क्या होगा, वोल्टेज V रहेगा। तो V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Q/CS। अब ये जो V, V1, V2, V3 हैं, इनकी वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, Q/CS इक्वल्स टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। आया समझ में। और अब क्या करना है, Q को दोनों साइड में कैंसिल करना है, तो आंसर क्या आया, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, चलो समझते हैं इसको। मान लो अपने पास तीन कैपेसिटर हैं, 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के, तीनों को हमने सीरीज में लगा दिया, इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, तो 1/CS इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। LCM कितना आएगा, 6 आएगा, ये आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी 11/6। ये 1/CS की वैल्यू आएगी, तो CS कितना हुआ, CS होगा 6/11, है ना। क्या ये 1 से भी कम आ रहा है, ये तो 1 से भी कम आ गया। इसका मतलब जब हमने 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया, तो उनका इक्विवेलेंट हमको मिला 6/11 माइक्रोफेरेड।
मतलब वो तो वन से भी कम है, तो तीनों को ऐड करने से, तीनों को सीरीज में लगाने से इक्विलेंट कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इक्विलेंट कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आई क्या? तो जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाओगे इक्विलेंट कैपेसिटेंस हमेशा हमेशा डिक्रीज होगा, है ना। अगर आपको कैपेसिटेंस कम करना है तो उसके लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। कम करना पड़ता है कई बार, जैसे हमारे पास 10-10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर अवेलेबल है और हमें किसी सर्किट में सिर्फ 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस ही चाहिए, तो क्या करेंगे, दो 10-10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा देंगे। उससे क्या होगा, 1/10 + 1/10 ऐसा करके ऐड करोगे तो ये बनेगा 2/10 यानी कि 1/5, और उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइक्रोफेरेड। तो वो दो कैपेसिटर जो 10-10 माइक्रोफेरेड के हैं सीरीज में लगाने पे किसकी तरह काम करेंगे, एक 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है क्योंकि जो जितना कैपेसिटेंस या जितना कैपेसिटी का कैपेसिटर हम चाहते हैं मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता, तो हमको वो जो अवेलेबल है उन्हीं से उनको बनाना पड़ेगा, उतना कैपेसिटेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, कैपेसिटेंस घटाना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में ये? ठीक है, सीरीज में क्या चीज़ सेम रहेगी हर एक कैपेसिटर के ऊपर, चार्ज सेम रहेगा। याद रखना न्यूमेरिकल्स में भी ये चीज़ अपन यूज़ करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक कैपेसिटर का चार्ज आपको किसी तरीके से पता चल गया तो बाकियों के भी ऊपर उतना ही होगा और इक्विलेंट भी उतना ही होगा। इक्विलेंट अगर चार्ज पूछा जाए ना कि तीनों ने कितना स्टोर किया तो वो भी उतना ही होगा जितना एक कैपेसिटर के ऊपर आपको दिखेगा। ठीक है, और क्या चीज़ अलग अलग होगी, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनका वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, अगर कैपेसिटी बराबर होती C1 C2 C3 तो V1 V2 V3 भी बराबर होते, फिर V1 होता V/3, ये भी V2 भी V/3 होता और V3 भी, क्योंकि ये जो V वोल्ट है ये 3 पार्ट्स में बराबर बराबर डिवाइड हो जाता। फिर अभी तो ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, अगर कैपेसिटी बराबर होती तो क्या होता, इक्वली डिवाइड होता फिर वोल्टेज। आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसमें देखेंगे कि इक्विलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। देखते हैं चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि उनकी जो फर्स्ट प्लेट है वो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होगी। जितने भी कैपेसिटर्स आप यूज़ करोगे सबकी फर्स्ट प्लेट कहाँ पे कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि हमने इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया हुआ है तो ए पॉइंट पे इन सब कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड है और बी पॉइंट पे सेकंड प्लेट कनेक्टेड है। फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, किससे कनेक्ट किया, बैटरी से, क्योंकि इनको चार्ज करना है। और ये है C1, ये है C2 और ये C3 कैपेसिटर। समझ में आया क्या? जब हमने इन तीनों को ए और बी पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट किया तो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है ए और बी पॉइंट के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच में, वी होगा। और हर एक कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है तो हर एक कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी के बराबर ही होगा। यानी कि एक सिंपल हम बात बोल सकते हैं कि जब इसको कनेक्ट करेंगे है ना बैटरी से इस सिस्टम को, तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना वोल्टेज लगा है ना उसी के बराबर होगा V V V। ये हर एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स के बीच में। चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन चार्ज अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज चलेगा है ना, ये कोई भी प्लेट चार्ज नहीं है तो सबका पोटेंशियल जीरो, और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो यहाँ से चार्ज जाएगा स्टोर होने के लिए। अब यहाँ पे चार्ज के लिए तीन रास्ते हैं, देखो है ना, तीन रास्ते हो गए तीन कैपेसिटर के लिए। कौन से रास्ते पे चार्ज ज़्यादा जाएगा या कौन से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ज़्यादा जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी ना चार्ज को स्टोर करने की, वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, और जिसकी कैपेसिटी कम है वो कम चार्ज स्टोर करेगा। ये कैसे पता चला, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो कैपेसिटर के लिए, CV। V तो तीनों के लिए सेम ही है, जिसके लिए C ज़्यादा होगा उसके लिए Q क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो हुआ ये, यहाँ से Q चार्ज चला और तीनों में जो कैपेसिटर्स हैं उनमें 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया है ना। जो फर्स्ट प्लेट है इनकी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और दूसरी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और फर्स्ट कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं Q1 है ना, इस पे प्लस Q1, इस पे माइनस Q1, इस पे मान लेते हैं Q2 प्लस Q2, इधर माइनस Q2 और इस पे Q3। समझ गए क्या बात?
है ना, प्लस क्यू, एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा प्लेट पे, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो क्यू वन बोल दिया तो इसका मतलब एक पे क्यू वन है और दूसरे पे माइनस क्यू वन है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ डिवाइड हो रही है, चार्ज डिवाइड हो रहा है ना, चार्ज डिवाइड हुआ यहाँ पे, तो क्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ना क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। भाई टोटल चार्ज तो मिला के क्यू ही होना चाहिए, अगर थ्री पार्ट में जितना भी चार्ज यहाँ से चला था अगर वो थ्री पार्ट में डिवाइड होकर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी अगर स्टोर हो गया तो वो टोटल तो क्यू ही है ना। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। एक और बात कि यहाँ पे क्यू वन कितना है, क्यू टू कितना है और क्यू थ्री कितना है, तो ये फॉर्मूला रहा, सॉल्व करो इससे। क्यू वन कितना होगा, सी वन इंटू वी, क्यू टू कितना होगा, सी टू इंटू वी, और क्यू थ्री कितना होगा, सी थ्री इंटू वी। आ गया अपने पास क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके पुट करनी है। तो वापस से मान लो कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो ये है, और इस बार हमने कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया है, पैरल में। तो इसका नाम हम रख देते हैं सी पी। सी पी मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरल कॉम्बिनेशन। वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, टोटल चार्ज इन तीनों ने मिलकर कितना स्टोर किया, क्यू। तो ये अकेला क्यू चार्ज को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम, और ये वी वोल्टेज तक चार्ज होगा ये, क्योंकि वी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है ना इसके अक्रॉस। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, क्यू इक्वल टू सी पी इंटू वी लिखूंगा। इक्वेशन क्यू इक्वल टू सी वी, वो हर एक कैपेसिटर के लिए अप्लाई होगी, तो इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की वैल्यू यहाँ से, और ये बन जाएगा सी पी इंटू वी इक्वल टू सी वन इंटू वी प्लस सी टू इंटू वी प्लस सी थ्री इंटू वी, यही बनेगा ना। दोनों साइड में क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, वी कैंसिल हो रहा है। तो आंसर क्या आया, सी पी इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। यानी कि तीन कैपेसिटर्स को जब हमने पैरल में कनेक्ट किया तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। और ज़्यादा होते तो इसी तरीके से उनका कैपेसिटेंस ऐड होता जाता। कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, अगर वापस वही एग्जाम्पल ले लो, वन टू और थ्री माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटर अगर आप पैरल में लगा दोगे, इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री, यानी कि सिक्स, है ना, सिक्स माइक्रोफेरेड। कहने का मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस के लिए हमने पढ़ा था ना, उससे उल्टा है इसमें। रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाते हो तो आर वन प्लस आर टू आर थ्री, इस तरीके से, मतलब ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और पैरेलल में लगाओगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। उसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर पी इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस के लिए याद है तो उसका उल्टा दिमाग में रखना है, कि कैपेसिटर के लिए फॉर्मूले उल्टे लगेंगे, है ना। सीरीज में क्या लगेगा, वन अपॉन सी एस इक्वल्स टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, इस तरीके से। और पैरल में क्या लगेगा, सी पी इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको कोई भी सर्किट दिया जा सकता है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो हमको याद रखने हैं। अच्छा, सीरीज में जैसे हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चार्ज सब पे अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो पेज नंबर 38 पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर सी वन एंड सी टू ईच ऑफ वन माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, इनिशियली स्विच इज क्लोज्ड। स्विच इज क्लोज्ड का मतलब क्या है, हमने सर्किट को ऑन कर रखा है, मतलब इसको बना लेते हैं एक बार। सर्किट में आपको देखो दो कैपेसिटर दिखा रखे हैं और एक बैटरी से ये कनेक्टेड है, कितने वोल्टेज की बैटरी है, ये दो कैपेसिटर्स हैं देखो, एक तो ये हो गया, एक यहाँ पे कनेक्टेड है, और इन दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है, और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा रखा है, ये स्विच हो गया, इसको सी वन बोल देते हैं, इसको सी टू, और सी वन और सी टू की वैल्यू क्या है, तो आपको ये दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, सी वन और सी टू दोनों 1 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं, और जो बैटरी है उसका वोल्टेज है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी से इनको कनेक्ट किया हुआ है। इनिशियली स्विच इज क्लोज, क्लोज का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑफ या ऑन, देखो क्लोज करोगे ना इसको, ऐसे क्लोज करने का मतलब ये है कि आप इसको कनेक्ट कर दोगे, कनेक्ट करने से सर्किट क्या हो गया, ऑन हो गया। तो शुरुआत में सर्किट क्या है, ऑन है, क्लोज का मतलब क्या है, ऑन। स्विच इज क्लोज का मतलब ये जो की है ना इसको बोलते हैं टैपिंग की, कौन सी की है,
टैपिंग, इसको टैप करते हो ना, दबाते हो ऐसे, तो ये सर्किट ऑन हो जाता है, नहीं तो ये अगर उठी हुई रहेगी तो डिस्कनेक्टेड रहेगा ये जो सेकंड कैपेसिटर, तो सर्किट ऑफ माना जाएगा उस कंडीशन में, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। अगर क्लोज्ड बोला तो ऑन है, ओपन बोला तो ऑफ है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम स्विच इज लेफ्ट ओपन एंड डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल्स टू 3 आर इंसर्टेड टू फिल द स्पेस कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर। हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। आपको पूछा है कि शुरुआत में अपन क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे। स्विच को क्लोज करने का मतलब सर्किट ऑन रहेगा, ऑन होने का मतलब है सर्किट में मतलब जो चार्ज फ्लो होना है वो चार्ज फ्लो होगा और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। तो आपको ये पूछा है कि अगर मैं फिर बाद में इसको ऑफ कर दूं और दो डायलैक्ट्रिक मीडियम इन दोनों प्लेट्स के बीच में दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दें, तो बताओ कि अब एक तो इसका कैपेसिटेंस कैसे अफेक्ट होगा और दूसरी चीज़ क्या पूछी जा रही है, कैपेसिटेंस कैसे अफेक्ट होगा ये तो हम बताएंगे, साथ में आपको पूछा जा रहा है कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कैसे अफेक्ट होगा, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले की कंपेरिजन में वो कितना हो जाएंगे। तो पहले इनिशियल कंडीशन को देखना पड़ेगा कि तभी अपन कंपेयर कर पाएंगे कि बाद में क्या होगा। तो शुरुआत में स्विच को ऑन कर रखा है, स्विच को ऑन करने का मतलब है कि दोनों कैपेसिटर अब चार्ज हो रहे होंगे। ये जो बैटरी है इसके अक्रॉस ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में, ये सबको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो दोनों कैपेसिटर हैं उनकी अपर प्लेट्स एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है और लोअर प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज सेम होता है। कितना वोल्टेज लगा रखा है, 6 वोल्ट, तो V1 कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, और V2 कितना होगा, ये भी 6 वोल्ट होगा। समझ में आया क्या, तो लिख लेते हैं इधर, C1 और C2 ये बराबर हैं 1 माइक्रोफेरेड, V1 और V2 भी बराबर है इनिशियली 6 वोल्ट, और चार्ज भी बराबर ही होगा क्योंकि दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तो Q1 और Q2 भी यहाँ पे इक्वल होंगे। Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, तो C कितना है 1 माइक्रो मतलब 10^-6 और V कितना है 6। तो पहले के लिए लगा दो ये फॉर्मूला या सेकंड के लिए लगा दो, यही आपको लिखना पड़ेगा, 1 माइक्रोफेरेड हर एक का कैपेसिटेंस है, वोल्टेज है 6 वोल्ट, आंसर क्या आएगा 6×10^-6 कूलाम, ये आ गया चार्ज। इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, चार्ज की वैल्यू आ गई थी दोनों के ऊपर। ये इनिशियल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, इनिशियली ऐसा है, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे, सेकेंड कंडीशन इसमें फाइंड करेंगे कि जब स्विच को ऑफ कर दिया और डायलैक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया तब इन तीनों चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ा। सबसे पहले अपन इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा, कौन सा कैपेसिटर सर्किट से हट जाएगा बताओ, कौन सा कैपेसिटर सर्किट से हटेगा, सेकेंड कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो गया, फर्स्ट अभी भी कनेक्टेड है, ये चीज़ समझ में आई। और अब हमने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में है ना, इस कैपेसिटर की, इन कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डायलैक्ट्रिक मीडियम, ये देखो एक डायलैक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हम डायलैक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देंगे और इनका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है 3। अब हमको पता है कि अगर हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में तो उससे क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज होती है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो चेक करना पड़ेगा अभी, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसका बढ़ेगा किसका कम होगा, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि डायलैक्ट्रिक मीडियम अगर आप रखोगे प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज होगा, याद करो आपको बताया था जितना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का उतने टाइम्स वो इंक्रीज होता है, कम्प्लीटली फिल किया हुआ ना, तो जितना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स इंक्रीज होगा। तो C1 और C2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है 3 है ना, तो 3×1 माइक्रोफेरेड यानी ये कितना हो गया, 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर बन गए दोनों। डायलैक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते ही चाहे वो सर्किट में कनेक्टेड हो कैपेसिटर या नहीं कनेक्ट हो, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है कि प्लेट्स का एरिया कितना है, मीडियम क्या है और उनको कितना डिस्टेंस पर प्लेट्स को रखा हुआ है। तो डायलैक्ट्रिक मीडियम फिल करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अगर मैं पहले कैपेसिटर को ध्यान से देखूँ तो वो अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, वही 6 वोल्ट तक, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये और ज़्यादा चार्ज ले लेगा, और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, लेकिन इसकी जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी भी 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ेगा। क्या चीज़ बढ़ेगी,
चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटी बढ़ा दी तो और ज़्यादा चार्ज खींच लेगा, और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि जो वी वन डैश है वो वी वन के बराबर ही है, पहले जितना था उतना ही वोल्टेज है, कितना 6 वोल्ट, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। समझ में आया क्या? कैपेसिटेंस बढ़ गया, लेकिन पहला पहला जो कैपेसिटर उसकी प्लेट्स बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 6 वोल्ट होगा। क्यू वन डैश कितना होगा? तो ये होगा सी वन डैश वी वन डैश। क्यू इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला लगाया मैंने पहले कैपेसिटर के लिए, सेकेंड कंडीशन में फाइंड करना है, इसलिए सी वन डैश और वी वन डैश लिखा है। ठीक है, सी वन डैश कितना हो गया? 3 माइक्रो फेरेड, और वी वन डैश कितना है? 6 वोल्ट है। तो आंसर क्या आएगा? 18 × 10⁻⁶ कूलम, यानी कि चार्ज इसने ज़्यादा स्टोर कर लिया, कैपेसिटी बढ़ा दी जिससे इसने ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लिया उतने ही वोल्टेज से। ठीक है, दूसरे कैपेसिटर के साथ क्या हुआ? ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया स्विच को ऑफ करते ही, हमने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करते ही ये हो गया डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट होने से ना तो ये चार्ज जो इसके ऊपर है वो कहीं जा सकता है, ना ये और ज़्यादा चार्ज कहीं से ले सकता है, तो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी इसके ऊपर? सेम रहेगी। तो क्यू टू डैश क्या रहेगा? क्यू टू के बराबर होगा। क्यू टू डैश किसके बराबर होगा? क्यू टू के बराबर होगा। तो आंसर क्या आएगा? 6 × 10⁻⁶ कूलम, इतना चार्ज ही इसके ऊपर रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन कैपेसिटी तो बढ़ गई। अब कैपेसिटी बढ़ने से और चार्ज उतना का उतना रहने से इसके पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी। अब मैं सेकेंड कैपेसिटर के लिए लगा रहा हूँ, सेकेंड कंडीशन के लिए, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? वी टू डैश इक्वल्स टू क्यू टू डैश अपॉन सी टू डैश, है ना, सेकेंड कंडीशन के लिए। तो बताओ क्यू टू डैश कितना है? 6 × 10⁻⁶, और सी टू डैश कितना है? सी टू डैश 3 माइक्रो फेरेड होगा। आंसर क्या आएगा? 2 वोल्ट, मतलब जो सेकेंड कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, कैपेसिटी तो बढ़ा दी चार्ज और दिया नहीं उसको, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो ये इसमें आंसर हो गया इसकी। आया क्या समझ में? अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉमन पोटेंशियल, फिर एक न्यूमेरिकल दे रखा है। कौन सा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? कॉमन पोटेंशियल। जैसे मान लो दो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, उनको अलग अलग वोल्टेज तक चार्ज करके हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल में हमको पता है कि वोल्टेज सेम होता है, तो वो वोल्टेज कितना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल। तो वो कैलकुलेट करके देखना है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल। तो हमने दो कैपेसिटर लिए, ये पहला कैपेसिटर मान लो और ये दूसरा कैपेसिटर है। दोनों की शुरुआत में कंडीशन क्या है कि इसका कैपेसिटेंस है सी वन, इसका कैपेसिटेंस है सी टू, इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन और इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी टू। दोनों को चार्ज कर रखा है, पहला जो कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा क्यू वन, और जो सेकेंड कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? क्यू टू। समझ में आया क्या? तो पहला जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज कितना है? क्यू वन। सेकेंड पे कितना है? क्यू टू। कैपेसिटी दोनों के अलग अलग है। अब अगर आपने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट कैसे किया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट किया, इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दिया आपस में। कैसे कनेक्ट कर रहे हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो अब क्या चीज़ इनके लिए सेम हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या होती है कि उसमें वोल्टेज सेम रहता है हमेशा। तो अब इसमें वोल्टेज सेम कैसे होगा? तो मान लो जो पहला कैपेसिटर है इसकी पहली प्लेट के ऊपर ज़्यादा चार्ज है, सेकंड प्लेट की पहली प्लेट के ऊपर कम चार्ज है, तो इधर से इधर कुछ चार्ज फ्लो हो जाएगा, और उससे क्या होगा? दोनों के ऊपर, और ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चार्ज बराबर बराबर नहीं डिवाइड होगा, ये मत सोचना कि इधर से ज़्यादा चार्ज इधर कम है तो इधर से इधर आ जाएगा, तो ये बराबर बराबर चार्ज डिवाइड होगा। चार्ज बराबर होना ज़रूरी नहीं है। क्या चीज़ बराबर होनी ज़रूरी है? पोटेंशियल बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि सब इन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये चार्ज को स्टोर करेंगे। तो फाइनली ये हो जाना चाहिए कि इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल बराबर हो जाना चाहिए, और इसी तरीके से इधर भी इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल फाइनली बराबर हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा है, देखो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इसको वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
वी इक्वल्स टू क्या होता है कैपेसिटर के लिए, क्यू बाई सी होता है ना। बस यहाँ पे क्यू की जगह क्यू नेट लिख दो, सी की जगह सी नेट लिख दो, नेट मतलब टोटल है ना। क्यू नेट कितना होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू, क्योंकि चार्ज कैंसिल तो हो ही नहीं रहा, पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ऐसा तो है नहीं कि इनको कनेक्ट करने से चार्ज कैंसिल हो गया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन कैंसिल नहीं होगा। तो क्यू वन प्लस क्यू टू टोटल चार्ज होगा। सी नेट कितना होगा, तो पैरेलल में दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी वन प्लस सी टू है ना, यही आपका आंसर है। क्यू वन और क्यू टू को आप ये भी लिख सकते हो, सी वन वी वन और सी टू वी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। तो जैसे डेटा दे रखा हो क्वेश्चन में वैसे अपन इसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी और वी दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, क्यू और सी दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, आया समझ में। अब इसमें एक कंडीशन और होती है कि हो सकता है कि हमने कैपेसिटर्स को इस तरीके से आपस में कनेक्ट किया कि इनकी जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं, इनकी जो पॉजिटिव प्लेट है एक की, वो दूसरे की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो गई। इस बार हमने इनको इस तरीके से कनेक्ट किया कि पहला जो कैपेसिटर है उसकी जो पॉजिटिव प्लेट होगी है ना, ये वाली जो पॉजिटिव प्लेट है ये दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दी हमने, तो इस बार क्या होगा, इस बार चार्ज कैंसिल होगा, इस बार चार्ज कैंसिल होगा यहाँ पे है ना। और दूसरे ये जो पहला कैपेसिटर है इसकी नेगेटिव प्लेट को हमने दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट जो पॉजिटिव प्लेट है उससे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी चार्ज कैंसिल होगा और इधर भी चार्ज कैंसिल होगा। मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस है सी वन, इसका सी टू, चार्ज इस पर पहले क्यू वन, इस पर है क्यू टू, इसका वोल्टेज है वी वन और इसका है वी टू, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, वी इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन सी नेट। चेंज कहाँ पे आएगा, क्यू नेट की जगह क्या पुट करोगे, क्यू वन माइनस क्यू टू, भाई जीरो भी हो सकता है अगर दोनों पे चार्ज बराबर हुआ तो, लेकिन अगर मान लो क्यू वन ज़्यादा है क्यू टू कम है तो क्यू वन माइनस क्यू टू कर देंगे, और उल्टा होता तो अगर क्यू टू ज़्यादा होता है क्यू वन से तो क्यू टू माइनस क्यू वन कर देते। सी नेट का मतलब सी वन प्लस सी टू, इसको माइनस मत कर देना क्योंकि ये तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस तो दोनों का मिला के सी वन प्लस सी टू ही होगा, पैरेलल में लगे हैं वो, तो चार्ज उल्टा है इसलिए क्या होगा, चार्ज कैंसिल हो गया लेकिन कैपेसिटेंस सी वन प्लस सी टू ही लिखा जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, ये लो आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉरी कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होता है, सी वन प्लस सी टू। कॉमन पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करके देखना था, तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये कंडीशन बनेगी कि दो कैपेसिटर आपको पैरेलल में दिखेंगे और आपको कैलकुलेट करना होगा कि इनका वोल्टेज कितना हो गया, अब तो उनके लिए ये फॉर्मूले होते हैं सिंपल एकदम, है ना। इसके बाद में एक आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। पेज नंबर 41 पे एक क्वेश्चन है, टू स्फेयर्स ऑफ रेडियस 0.05 मीटर एंड 0.1 मीटर हैविंग इक्वल चार्जेस 75 माइक्रो कूलम ईच, व्हेन दीज आर कनेक्टेड बाई ए थिन वायर देन फाइंड कॉमन पोटेंशियल एंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। देखो दो स्फेयर्स हैं, दोनों की रेडियस दे रखी है 0.05 मीटर और 0.1 मीटर, और इन पे चार्ज है 75 माइक्रो कूलम। इनको जब हमने कनेक्ट कर दिया आपस में तो इनका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, है ना। देखते हैं क्या चीज़ है, तो ये दो स्फेयर हम कंसिडर कर लेते हैं, एक छोटा स्फेयर है और एक मोटा स्फेयर है। छोटा स्फेयर है उसकी रेडियस कितनी है, 0.05 मीटर, और जो बड़ा वाला स्फेयर है इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस R2, R2 कितना है 0.1 मीटर। समझ में आया क्या, दोनों स्फेयर्स को हमने चार्ज कर रखा है और चार्ज की वैल्यू क्या है 75 माइक्रो कूलम, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो बराबर है, कितना कितना चार्ज है 75 माइक्रो कूलम। Q1 है 75 माइक्रो कूलम, Q2 भी कितना है 75 माइक्रो कूलम, चार्ज की वैल्यू सेम है। अब आपको ये फाइंड करना है कि जब हम इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे एक वायर के थ्रू तो अब इनके ऊपर कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा। अभी इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, चार्ज तो दोनों पे सेम है स्फेयर्स के ऊपर, लेकिन इन दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। याद है स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमने फाइंड किया था, क्या फॉर्मूला था, सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर,
तो पहले के लिए जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, है ना। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो R की जगह R1 लिखोगे तो वो पहले कैपेसिटर का, पहले कंडक्टर का कैपेसिटेंस आ जाएगा, और सेकंड का कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। तो इन दोनों का पोटेंशियल शुरुआत में क्या है, अलग अलग है, क्योंकि चार्ज तो सेम है लेकिन V इक्वल्स टू क्या होता है Q/C, सी अलग अलग होने की वजह से V क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जैसे आप इनको कनेक्ट करोगे आपस में, ये हमने एक वायर से इनको कनेक्ट कर दिया, तो इनके बीच में चार्ज फ्लो होगा, चार्ज इनके बीच में क्या होगा, फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, है ना, वी कॉमन लिख देता हूँ, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या था, क्यू नेट अपॉन सी नेट, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। आप बोलोगे सर वो तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए लगाया था या कैपेसिटर के लिए लगाया था, और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया था तब लगाया था ये फॉर्मूला, ये तो आपने इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो ये पैरेलल में थोड़ी कनेक्टेड है, एक्चुअल में ये पैरेलल में ही कनेक्टेड है, क्योंकि इन दोनों कंडक्टर्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, और कैपेसिटर में हमेशा दो कंडक्टर होते हैं, तो फर्स्ट जो कंडक्टर है इसके लिए हम दूसरा कंडक्टर कहाँ पे एज्यूम करेंगे, इनफाइनाइट पे। कैपेसिटर हमेशा दो कंडक्टर से मिलके बनता है, तो एक कंडक्टर तो ये रहा, दूसरा कहाँ है, इनफाइनाइट पे। तो इसको कैपेसिटर मानने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया और दूसरा इनफाइनाइट पे एज्यूम कर लेते हैं जिसका पोटेंशियल जीरो होता है, ऐसा मान के अपन कैपेसिटर उसको कंसिडर करते हैं। तो दूसरे के लिए भी वैसा ही होगा, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे जो दोनों कंडक्टर्स हैं उनका पोटेंशियल कितना है, जीरो जीरो, दोनों को कनेक्टेड मान सकते हो, दोनों को कनेक्ट करोगे तो भी वो जीरो रहेगा, तो इसका मतलब वो आपस में कनेक्टेड हैं और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना, जिसमें कैपेसिटर, दो कैपेसिटर की एक प्लेट तो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होती है और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होती है, तो ये एक्चुअल में पैरेलल में ही कनेक्टेड है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। सिंगल कंडक्टर अगर आपस में कनेक्ट भी कर दी ना तो वो पैरेलल में ही कनेक्टेड माने जाएंगे, किस तरीके से, क्योंकि वो एज ए कैपेसिटर कंसिडर किए जा रहे हैं। कैपेसिटर में हमेशा दो कंडक्टर यूज़ करते हैं ना अपन, दूसरा इसमें अगर सिंगल कंडक्टर तो दूसरा इन्फाइनेट पे एज्यूम किया जाता है। तो V कॉमन ये कितना आएगा, तो Q1 प्लस Q2, ये वैल्यूज तो आपको पता है कितना है, एक बार मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 कितना है यहाँ पे, तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अब मुझे पता है कि जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 9 × 10^9, किसको लिखा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, Q1 प्लस Q2 को क्या लिखोगे, तो 75 और 75, है ना, 75 माइक्रोकूलाम प्लस 75 माइक्रोकूलाम, इसको ऐड करोगे तो 150 माइक्रोकूलाम ये बनेगा, और डिवाइडेड बाई किससे करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो अपन हटा चुके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया, 9 × 10^9, R1 प्लस R2 को लिखना होगा 0.05 प्लस 0.1, आया समझ में। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कॉमन पोटेंशियल आएगा अपने पास, कितना आएगा कॉमन पोटेंशियल, 9 × 10^6, मतलब इसको ओवरऑल आप सॉल्व करोगे ना तो 9 × 10^6 वोल्ट ये अपना आंसर आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, आंसर यही आएगा, कॉमन पोटेंशियल अपने पास आ चुका है। अब ये पूछ रहा है आपको अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बताओ, कितना चार्ज फ्लो होगा वो बताओ, तो चार्ज क्यों फ्लो होगा, पोटेंशियल बराबर करने के लिए, है ना। तो पहले जो पहला जो कंडक्टर है उस पर पहले चार्ज कितना था, 75 माइक्रोकूलम, अब चार्ज कितना होगा अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो उससे ये पता चल जाएगा कि इस पर चार्ज बढ़ा या कम हुआ, और जितना बढ़ेगा या कम होगा वही चार्ज वायर के थ्रू फ्लो हुआ होगा, है ना। जैसे मान लो पहले कंडक्टर के लिए अब मैं Q1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, Q1 का मतलब है अब इस पर चार्ज कितना है, तो Q इक्वल टू क्या होगा, C1 तो उतना ही रहेगा, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, V क्यों लिखा, V कौन सा पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन लिख देता हूँ इधर, समझ में आएगा भाई, फाइनली तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है ना, तो वो कॉमन पोटेंशियल जब आप कैपेसिटेंस C1 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, पहले कंडक्टर के ऊपर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। C1 कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू वी
कॉमन, ठीक है, वैल्यू पुट करो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट करना है, 1/9 × 10^9। ये अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो इसकी वैल्यू होती 9 × 10^9। ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी वैल्यू होगी 1/9 × 10^9। R1 कितना है, 0.05। V कॉमन कितना है, 9 × 10^6। सॉल्व करो क्या आएगा, ये आएगा 50 × 10^ तो ये होगा -6 आएगा। ये Q1 डैश जो आएगा ना, सॉल्व करके देखोगे तो ये आएगा इतने कूलाम, इसको आप 50 माइक्रो कूलाम भी बोल सकते हो। सॉल्व करोगे तो ये 10^9 ऊपर जाएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आंसर, क्योंकि वो 0.05 लिखा है, सॉल्व करोगे ओवरऑल तो इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, 50 × 10^-6 कूलाम। तो पहले इस पे चार्ज कितना था, फर्स्ट कंडक्टर पे 75 माइक्रो कूलाम, अब कितना हो गया, 50 माइक्रो कूलाम। इसका मतलब चार्ज कम हुआ है, कहाँ चला गया, वो सेकेंड कंडक्टर के ऊपर चला गया। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो क्या होगा, 75 माइक्रो कूलाम में से माइनस करेंगे 50 माइक्रो कूलाम, तो 25 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। यानी पहले इस पे चार्ज था 75 माइक्रो कूलाम, बाद में रह गया 50 माइक्रो कूलाम, तो कितना चार्ज फ्लो हो गया, 25 माइक्रो कूलाम। तो ये एक तो आंसर तो ये है, एक आंसर ये है, कॉमन पोटेंशियल पूछा था और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो आपको पूछी जा रही। सिंगल कंडक्टर अगर दे रखा हो तो उसको भी हम कैपेसिटर मानेंगे, और उसमें दूसरा कंडक्टर कहाँ एज्यूम किया जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, और उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो माना जाएगा। अगर आपको बोले भी इनफाइनाइट पे ही क्यों एज्यूम करना है, तो जो चार्ज कंडक्टर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट पे। अब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करो तो उसमें दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि एक कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर सिंगल कंडक्टर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक। तो दूसरा कंडक्टर कहाँ पे एज्यूम करोगे, इनफाइनाइट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दोनों कंडक्टर्स के बीच में होता है। तो एक कंडक्टर ये है और दूसरा इनफाइनाइट पे एज्यूम करो, ऐसे अपन को एज्यूम करना होता है उसको, ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दो मेटल स्फीयर है, उनको चार्ज कर रखा है। अब इनको आप हम क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, और जैसे इनको कनेक्ट करोगे इनके बीच में चार्ज फ्लो होगा। और जब चार्ज वायर के थ्रू फ्लो होगा, जैसे आपने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इनके बीच में जो चार्ज फ्लो होगा उससे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, क्योंकि वायर के थ्रू जब चार्ज फ्लो होगा तो वायर के रेजिस्टेंस की वजह से एक हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस चार्ज के फ्लो का अपोजिशन करेगा, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। तो कितना एनर्जी का लॉस होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई क्या, केस क्या है, दो कंडक्टर्स हैं, इनको चार्ज किया हुआ है। पहले कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C1, चार्ज है Q1 और पोटेंशियल है V1, और दूसरे के लिए क्या है, चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल V2। कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, फ्लो होने का रीज़न पोटेंशियल बराबर करने के लिए, है ना। दोनों कंडक्टर का फाइनली पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर। तो पोटेंशियल बराबर करने के लिए ऐसा होगा, अच्छा वो जो कॉमन पोटेंशियल इन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर आएगा कनेक्ट करने के बाद में, मान लो इनको कनेक्ट कर दिया हमने, तो अब जो कॉमन पोटेंशियल इनके ऊपर आएगा, V1 V2 की जगह क्या आएगा, पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कुछ आएगा। तो वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, Q net/C net, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो क्यू नेट को Q1+Q2, लेकिन Q1 को C1V1 लिख सकते हो और Q2 को C2V2, है ना, क्योंकि V1V2 पता है इसलिए उसके टर्म्स में मैं इसको लिख रहा हूँ C1+C2। ये आ गया, शुरुआत में इन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर जो एनर्जी है, इनके पास जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी कितनी है उसको ऐड कर लो, और फाइनली जब इनको कनेक्ट करने के बाद में कुछ चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा और फाइनली इनके ऊपर जो एनर्जी रहेगी उसको कैलकुलेट कर लो, फिर दोनों को माइनस करके देख लो, उससे क्या आएगा, लॉस आ जाएगा, क्योंकि कितना लॉस हुआ हमको। पहले टोटल एनर्जी कितनी है दोनों कंडक्टर्स की, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो दोनों कंडक्टर्स अपने आप में एक कैपेसिटर है भाई, पहला जो कंडक्टर है वो एक कैपेसिटर मान सकते हो, दूसरा कंडक्टर कहाँ होगा इसमें, इन्फाइनाइट पे, तो ये एक कैपेसिटर ही है ना, इसका कैपेसिटेंस भी लिखा था ना अभी हमने, क्या लिखा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये जो फर्स्ट कंडक्टर है इसने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है, तो फॉर्मूला होगा U=1/2 CV²
वी की जगह वी वन ले लेंगे और सी की जगह सी वन। तो जो टोटल एनर्जी है यू इनिशियल इन दोनों की मिला के, पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी 1/2 सी वन वी वन स्क्वायर, और दूसरे के पास कितनी एनर्जी होगी 1/2 सी टू वी टू स्क्वायर। मतलब सेम केस आपको दो कैपेसिटर के लिए भी पूछा जा सकता है कि दो कैपेसिटर को अलग अलग वोल्टेज तक चार्ज करके जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बताओ उनमें कितनी एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि उसमें भी चार्ज फ्लो होता है ना, इधर से उधर कॉमन पोटेंशियल करने के लिए चार्ज फ्लो होगा तो उसमें भी लॉस होगा। तो उसके लिए भी ये सेम ही केस है, मतलब यहाँ पे दो कंडक्टर्स के लिए बोल दिया, इसी चीज़ को हम, इसी डेरिवेशन को हम दो कैपेसिटर्स के लिए भी कर सकते हैं जो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, अलग अलग वोल्टेज तक चार्ज हैं, तो उनके ऊपर भी कॉमन पोटेंशियल आएगा है ना, और उनके ऊपर भी एनर्जी कितनी होगी, पहले उनकी एनर्जी कितनी होगी 1/2 सी वन वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 सी टू वी टू स्क्वायर। ये दोनों कैपेसिटर्स की या दोनों कंडक्टर्स की इनिशियल कंडीशन में टोटल एनर्जी है, फाइनल कंडीशन में एनर्जी कितनी होगी। तो अब पोटेंशियल कितना हो चुका है वी, फाइनली दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, वी वन और वी टू से हट के क्या हो गया, वी हो गया, कुछ चार्ज इनके बीच में फ्लो हुआ और अब पोटेंशियल वी है दोनों का। तो अब इनकी एनर्जी कितनी होगी, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वापस यही फॉर्मूला लगेगा है ना, बस वी वन की जगह क्या लेना है वी है ना, और 1/2 सी टू वी स्क्वायर। वी वन और वी टू की जगह क्या पुट करेंगे, वी पुट करेंगे, 1/2 और वी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया तो सी वन प्लस सी टू ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे V हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है तो ये अपन पुट करके सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे पास फाइनल कंडीशन में टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, ये जैसे मैं पुट कर देता हूँ इसमें 1/2 वी स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाई क्या है सी वन प्लस सी टू होल स्क्वायर इंटू क्या करना है सी वन प्लस सी टू। देखो एक सी वन प्लस सी टू कैंसिल होगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो ना इसका, तो ये आंसर क्या आएगा 1/2, ऊपर तो बनेगा सी वन स्क्वायर वी वन, एक बार तो ऐसे लिख देते हैं सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा सी वन प्लस सी टू। यहाँ तक क्लियर है एकदम, ये आ गई फाइनल एनर्जी। अब सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को तो जो आंसर आएगा वो एनर्जी लॉस आ जाएगा, तो उसको डेल्टा यू लिख रहा हूँ, ये क्या है एनर्जी लॉस। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इनिशियल में से फाइनल एनर्जी माइनस करनी है, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो मतलब पहले ज़्यादा एनर्जी थी और बाद में कम हो गई, और इसलिए इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को माइनस करके देखना है। अगर फाइनल ज़्यादा होती तो फाइनल माइनस इनिशियल करके देख सकते हैं, तो लॉस हो रहा है ना, इसलिए इनिशियल ज़्यादा है फाइनल, ये आपका आंसर से भी पता चल जाएगा, आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है, क्योंकि शुरुआत में जितनी एनर्जी थी उसमें से फाइनल एनर्जी को माइनस किया, आंसर या डिफरेंस पॉजिटिव एक ही कंडीशन में आएगा जब इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल कम है, तो उससे पता चला ना कि लॉस हुआ। इनिशियल एनर्जी को कितनी है पुट कर दो, 1/2 सी वन वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 सी टू वी टू स्क्वायर, माइनस करना है 1/2 सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। आया क्या समझ में, सिंपल मैथमेटिक्स है, अब तो कुछ फिजिक्स नाम की जो चीज़ थी वो तो मैंने आपको बता दी, इसमें बस आपको अब सॉल्व करना है। 1/2 तीनों टर्म्स में है, इसको तो अलग कर लो थोड़ा सिंपल करने के लिए, और ब्रैकेट में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम सी वन प्लस सी टू एलसीएम आएगा। देखो 1/2 को तो मैंने हटा दिया, यहाँ पे क्या बचा सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर, लेकिन ये मल्टीप्लाई करना होगा सी वन प्लस सी टू से, समझ में आया क्या, माइनस ये सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू होल स्क्वायर, आया समझ में, ठीक है सॉल्व कर लो, बस यही आपका आंसर है 1/2, और ऊपर देखो क्या आएगा, अगर आप इसको ओपन करोगे ना, ध्यान से देखो, नीचे तो लिख देंगे सी वन प्लस सी टू, ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, चलो सी वन वी वन स्क्वायर को पहले सी वन से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस, इसको करो सी वन से, तो सी वन सी टू वी टू स्क्वायर प्लस, अब सी टू से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा सी वन सी टू वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, माइनस लग रहा है ना यहाँ पे, तो सारे टर्म्स ये माइनस में आएंगी, सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर और माइनस
सी वन वी वन सी टू वी टू, सही लिखा ना। ये अपना कैलकुलेशन करने के बाद में, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देखो, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, ये रहे सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर कैंसिल, ये रहा सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, ये रहा सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, ठीक है। ये है सी वन सी टू वी टू स्क्वायर, ये है सी वन सी टू वी वन स्क्वायर, और ये क्या है माइनस टू सी वन वी वन सी टू वी टू। क्या सी वन सी टू हर एक टर्म में कॉमन आएगा, अलग कर लेते हैं इसको तो, है ना, इसको अलग कर लिया, मान लो मैंने सी वन सी टू को अलग कर लिया, तो फिर क्या बचा, ये है वी टू स्क्वायर, ये है वी वन स्क्वायर, सी वन सी टू तो ले चुके हैं बाहर, और इसमें क्या आएगा माइनस टू वी वन वी टू, सी वन सी टू तो अलग हो गया, तो ये बना वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, समझ में आया क्या, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा सी वन प्लस सी टू, पूरा सॉल्व करने पर ये बनेगा। अब ये देख के बताओ कि ये जो आंसर अपने पास आया डेल्टा यू जो अपने पास आया, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा या कभी नेगेटिव भी आ सकता है। अगर वी वन ज़्यादा है वी टू से तो ये पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर वी टू ज़्यादा है वी वन से सपोज करो तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही बना। अरे आया कि नहीं आया, ये जो आपके पास आंसर आएगा ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये हुआ कि एनर्जी का लॉस हुआ है ना, जब आपने इन दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट किया तो हीट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम दो कैपेसिटर को या दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है या कितना लॉस होता है, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, और कितना लॉस होगा ये फॉर्मूला है उसके पास, उसके लिए यही फॉर्मूला कैपेसिटर के लगे के लिए लगेगा और यही दो कंडक्टर्स के लिए लगेगा, सबके लिए यही फॉर्मूला है, वन बाई टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर इंटू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। क्लियर है क्या एकदम, कोई डाउट यहाँ तक?